पिछले साल ही हमने फाइटर का टीजर रिव्यू करा था एंड लास्ट में बोला भी था कि जब कुछ हमें स्टोरी देखने को मिलेगी होपफुली ट्रेलर के अंदर देन हम उस पर डिटेल में बात कर पाएंगे। तो फाइनली आज ट्रेलर आ चुका है फाइटर का स्टारिंग ऋतिक रोशन। एक बार देख लेते हैं ट्रेलर देन उसके बाद रिव्यू करते हैं। बट हाँ उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले यार। साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। तो देख लेते पहले ट्रेलर। फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है। आप सब इंडियन एयरफोर्स के टॉप एविएटर्स, इसलिए आप सबको हैंड पिक करके हमने एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। एक दूसरे को जानो, बॉन्ड भी दीजिए, जंग में इंटरपर्सनल रिश्ते ही काम आएंगे। चलो तुम्हें जम्मू घुमाती हूँ। क्यों, तुम्हारा एक्स यहाँ से था? नहीं, पर शायद नेक्स्ट यहाँ से हो। पिछले 50 सालों में किसी सरकार ने उनकी इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, लेकिन अब बस उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है। हम पीओके एंटर कर रहे हैं। मिशन इज अ गो। उसका हिंदुस्तानी ईट का जवाब पत्थर से देने आए हो? इनकमिंग मिसाइल बदले से। हमने सुसाइड अटैक किया, उन्होंने एयर स्ट्राइक। चार F-16 पाकिस्तान से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब टेरर अटैक नहीं, जम्मू की दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई। तो मेरी खुशी के लिए तुमने मुझे रुलाने का फैसला लिया है। पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। हर बार तुम्हारी ईगो की कीमत ये फौज चुकाता है, लेकिन इस बार उसकी कीमत तुम भी चुकाओगे। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई। ये मेरी टीम है और उन्हें मेरी जरूरत है। पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तुमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम है। तो जैसे टेररिस्ट की वजह से अगर हम बदतमीजी में उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला आईओपी बन जाएगा। अरे भाई गूज बम्स पे दिखा पा रहा था आपको। व्हाट अ इंपैक्टफुल ट्रेलर यार, व्हाट अ इंपैक्टफुल, इसको कहते हैं ट्रेलर। मतलब इतने ब्रिलियंटली कट करा गया ट्रेलर कि डेफिनेटली इसका 100% इंपैक्ट होने वाला है। एंड इससे डेफिनेटली मूवी की बज जो कि अभी ढीली हो चुकी थी बिल्कुल, क्योंकि टीजर के बाद कुछ खास सॉन्ग्स चले नहीं एंड कुछ खास प्रमोशनल एक्टिविटीज भी नहीं हो रही, लेकिन ट्रेलर से गारंटेड फर्स्ट डे अब डेफिनेटली अच्छा होगा। हालांकि लाइफ टाइम डिपेंड करेगा कि मूवी कैसी होगी, बट जैसे कि ट्रेलर से लग रहा है यार एक नंबर मूवी लग रही है। पैट्रियोटिक थीम, 26 जनवरी वैसे है उस दिन। सही बताऊं टीजर में मुझे ऋतिक रोशन ड्यू के एड जैसे लग रहे थे, लेकिन यहाँ ट्रेलर में जब स्टोरी लग रही है बिल्कुल ऐसा लग रहा है लक्ष्य जैसी उनकी मूवी थी, शुरुआती टाइम की जो मूवी थी लक्ष्य, उसकी याद मुझे आ गई। मतलब उस लेवल की परफॉर्मेंस उस टाइम पर जो उन्होंने दी थी वो यहाँ पर मैच कर रहे हैं, मज़ा ही आ गया। मतलब एनर्जेटिक ट्रेलर। रोहित शेट्टी एक अलग लीग पे आ गए थे कुछ टाइम पहले, वैसे ही अब सिद्धार्थ आनंद आ गए हैं। मतलब क्या विजुअल्स, क्या स्केल रख रहे हैं यार मूवी का। पठान, वॉर, उससे पहले बैंग बैंग, और ये मूवी आईमैक्स 3D में रिलीज होने वाली है। तो आईमैक्स 3D में डेफिनेटली नहीं छोड़ने वाला। गिनी चुनी ही मूवी इंडिया में है जो आईमैक्स 3D में रिलीज हुई थी। आई थिंक लास्ट जो थी पद्मावत थी जो आईमैक्स 3D में रिलीज हुई थी। आईमैक्स तो रिलीज हुई है इंडियन मूवी, लेकिन आईमैक्स 3D में लिमिटेड रिलीज हुई है।
तो आईमैक्स 3D में भाई पर्दा फट जाएगा। होपफुली मूवी जितना ट्रेलर में अच्छी लग रही उससे अच्छी हो, तो डेफिनेटली रिप ऑल रिकॉर्ड्स। ट्रेलर को फुल मार्क्स मेरी तरफ से। परफॉर्मेंस की बात कर लो, परफॉर्मेंस में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबेरॉय, बाकी की स्टार कास्ट मस्त लग रही है। बस हाँ, थोड़ा वो जिन्होंने प्रधानमंत्री का रोल करा वो थोड़े ओवर मेरे को लगे, बट ठीक है यार, एंटरटेनमेंट मूवी है, इसमें इतना मैं सीरियस चाहिए भी नहीं। सो व्हाट अ ट्रेलर यार, विजुअल्स एक नंबर, एरियल एक्शन हवा में जो एक्शन हमें दिख रहा है यार एक नंबर, VFX लाजवाब। इसका जो बजट सुनने में आ रहा है वो 250 से 300 करोड़ के बीच में आ रहा है, तो आई थिंक उस लेवल पे तो आई थिंक ब्रिलियंट VFX कंपनी ने काम किया है। सो हालांकि भी मुझे डर था टीजर के बाद कि ओपनिंग इस मूवी को कैसी लगेगी, बट आई एम श्योर कि अब इसको एक अच्छी ओपनिंग तो डेफिनेटली लगने वाली है। बट हाँ, डिपेंड करता है कि आप लोगों को, पब्लिक को कैसा लग रहा है ट्रेलर, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर अपना रिव्यू। मुझे तो ट्रेलर डेफिनेटली बहुत पसंद आया। सो मूवी का इंतज़ार रहेगा बहुत, एंड बात करते हैं मूवी के रिव्यू के टाइम। तब तक थैंक यू।